आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से शायद आप डिसीजन ले पाए कि आपको अपने जीवन काल में आपको क्या करना है, क्या निर्णय लेना चाहिए। सो ये कहानी है एक समोसे वाले की। एक बड़ी कंपनी के सामने एक प्रसिद्ध समोसे वाले की दुकान थी और अक्सर उस कंपनी के कर्मचारी उसके पास समोसे खाने आया करते थे। एक दिन वहाँ के मैनेजर ने समोसे खाते खाते और समोसे वाले के साथ में मजाक के मूड में आ जाता है और बोलता है, यार गोपाल आपने दुकान तो बहुत अच्छे से मेंटेन की है, बहुत अच्छे से चला रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता क्या कि आप अपना समय और अपना टैलेंट समोसे बेच करके बर्बाद कर रहे हो। सोचो अगर आप मेरे साथ होते, मेरे साथ काम कर रहे होते, आप हो सकता था शायद आप मेरी पोजीशन पे होते, मेरे साथ मैनेजर होते, तो समोसे वाला बड़ा सोचता है और सोचने के बाद बोलता है कि सर आपके काम से कई गुना ज्यादा मेरा काम बेहतर है। सोचो 10 साल पहले मैं टोकरी में समोसे बेचा करता था, उस समय आपकी जॉब लगी थी, तब मैं 1000 रुपए महीने कमाता था और आप 10000 रुपए। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत की और 10 सालों में खूब मेहनत करने के बाद आज आप सुपरवाइजर से मैनेजर की पोस्ट पे हैं और मैं टोकरी वाले समोसे से एक प्रसिद्ध दुकानदार, प्रसिद्ध समोसे वाला। आप महीने का आज 50000 रुपए कमाते हैं और मैं 2 लाख रुपए। यहाँ तक इसलिए मेरा बेहतर काम नहीं है और इससे भी ज्यादा गुना बेहतर है, वो क्यों है, इसका भी रीजन है। ये मेरी बात है, सवाल आता है मेरे बच्चों के लिए। मैंने तो कम पैसों में स्टार्ट किया था, कम आमदनी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और कम आमदनी से बिजनेस को एक प्रसिद्ध दुकानदार बना, प्रसिद्ध समोसे की दुकान बना दी। आज महीने का मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ, ये सारा का सारा लाभ मेरे बच्चों को जाएगा और आपके आपका लाभ, आपकी जिंदगी भर की मेहनत आपको नहीं, आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, आपके मालिक के बच्चों को लाभ जाएगा। सोचो मैंने तो 10 साल में जो झेलना था मैंने झेल लिया, मेरे बच्चों को नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चों को फिर वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली अपनी पोस्ट अपने बच्चों को नहीं दे सकते ना। यहाँ ये सोचने वाली बहुत है, ये आपके लिए भी सोचने वाली बात है कि आप डायरेक्ट अगर जिंदगी भर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप नौकर ही बन के रह जाएंगे, कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। यहाँ तक हमारे बच्चों को इतना लाभ मिलेगा कि सर कि शायद उनको कभी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी अब वो मैं दो लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ तो मेरे बच्चे आने वाले समय में शायद 20 लाख रुपए भी महीने कमाए और आपके बच्चे वहीं से जीरो से स्टार्ट होंगे और जीवन काल जब अंत होते जाएगा तब शायद आपकी पोस्ट पे आएंगे। आप भी सोचिए इस बात को, जॉब अच्छी है या बिजनेस, इस बात को सुनकर तो मैनेजर चुप हो जाता है और क्या करता है, 2 समोसे के 20 रुपए दे करके चुपचाप खिसक लेता है। लेकिन ये बात आपके लिए है, आपको क्या करना है, आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है। जिंदगी में पैसे 2 प्रकार से कमाए जाते हैं, या तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना समय देंगे उतना पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी स्किल सीख लीजिए, ऐसा कोई टैलेंट ले लीजिए जिसके माध्यम से पैसा खुद आपके पास आए। मैं यहाँ पर आओ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान के चलिए आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं और बोलते हैं, सर यार गाड़ी मेरी स्टार्ट नहीं हो रही, इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। और वो क्या करता है, 2 मिनट में आपकी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और स्टार्ट करके आपको दे देता है और बोलता है इस 2 मिनट का 2000 रुपए। आप सोच में पड़ जाते हैं, यार ऐसा तुमने क्या कर दिया कि 2000 रुपए ले रहा 2 मिनट में। अब कुछ समझदार मैकेनिक होते वो तो बोल देते हैं, या तो तू खुद कर लेता, लेकिन आपको नहीं पता इन 2 मिनट में मैंने जितना मेहनत करके 2 मिनट के लिए मैंने 20 साल बर्बाद किए हैं। जब जाकर मैं इसको 2 मिनट में ठीक करके आपको दे रहा हूँ तब मैं आपसे 2000 चार्ज कर रहा हूँ। ये सवाल आपसे भी है कि आपको जिंदगी में जॉब करनी है या बिजनेस करना है। बिजनेस समय पे करने के लिए मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए। अगर आपको बिजनेस आइडिया चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ लेना चाहिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे संपर्क भी कीजिए, क्योंकि मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ और हम आपको कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छा बिजनेस रन करने के लिए आपको बताएंगे। साथ में वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिलते रहे।
और तो और मिलते हैं हम आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।